Hi guys, my name is Shashank Jain and welcome back to my channel Udo. ये मेरी सीरीज है Ask Anything with Shashank, जिसके अंदर हम बात करते हैं, आप मेरे से सवाल पूछते हो और मैं आपको उन सवालों का जवाब देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे YouTube पे कमेंट्स डालते हैं, तो आज की मैं चार क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको इन चारों क्वेश्चन का जवाब दूंगा जो लोगों ने मेरे से पूछे हैं। बिफोर आई गो देयर, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसमें आपको बहुत सारे इंटीरियर्स, रेजिडेंशियल होम्स, अपार्टमेंट्स के टिप्स मिलेंगे कि आप अपने घर को कैसे सुंदर बना सकते हैं। सो आज हमारी वीडियो की वॉइस होगी प्रतीक्षा, ये मुझसे चार सवाल पूछेगी और उसका आंसर दूंगा। प्रतीक्षा, यस, व्हाट शुड बी द बेसिक स्टेप दैट इज फॉलोड व्हाइल थिंकिंग ऑफ डिजाइन? ओके, सो गाइस, जब आप डिजाइन या अपने घर के बारे में सोचते हो ना, तो चार पांच बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला स्टेप है कि मेरे को घर में कराना क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा कि मुझे किस डिजाइनर से कराना है, क्या मुझे डिजाइनर हायर करना भी है कि नहीं, या मैं एक लोकल कारपेंटर के पास चला जाऊँ उससे काम करा लूँ। तीसरा, अगर मैंने डिजाइनर चूज कर लिया तो उसके बाद मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि ये मेरे घर के लिए बढ़िया डिजाइनर है। चौथा कि मुझे क्या मटेरियल्स यूज करने हैं अपने घर में, क्या क्या चीजों में क्या क्या मटेरियल्स लगेंगे, क्या ऑप्टिमम क्वालिटी है, और देन मेरा बजट में वो कैसे फिट हो जाए। अगर आपको चार पांच चीजें क्लियर हैं तो आप अपने घर को डिफाइन कर पाओगे और अच्छे से डिजाइन कर पाओगे। तो ये बेसिक स्टेप है जो आपको सोचने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू सेलेक्ट बिटवीन टू डिजाइनर्स। ओके, सो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने चूज तो कर लिया कि मेरे को डिजाइनर से काम कराना है, आप ये कैसे चूज करें कि ये दोनों में से कौन सा मैं डिजाइनर चूज करूं। तो मुझे लगता है इसके लिए कई सारी चीजें हैं जो आपको सोचनी चाहिए। पहले कि मैं जब इस बंदे या इस लड़की या लड़के से मिली या मिला तो मेरे को कितनी अच्छी वाइब आई, क्या ये मेरा डिजाइनर मेरे घर को मेरे मुताबिक बना देगा, ये सबसे पहला। अगर आपके दिल में घंटी बज रही है ना, तो बोलूंगा ये वो डिजाइनर है जो आपको हायर कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए अपनी गट से, अपने दिल से, क्या ये डिजाइनर मेरे लिए वर्थ है, क्या ये मुझे उतना अच्छा काम करके दे पाएगा, क्या ये मेरे दिल से मेरे साथ बात कर सकता है। सेकेंड, उसके पास कितनी बड़ी टीम है, क्या वो ऐसा तो नहीं कि सिंगल पर्सन आदमी है और वो सब कुछ कर रहे हैं, सुपरवाइजर भी वही है, डिजाइनर भी वही है, मटेरियल प्रोक्योर भी वही करेगा, काम भी वही करवाएगा, तो क्या। तो आपको ये देखना चाहिए कि मेरे डिजाइनर्स के पास कितनी बड़ी टीम है और क्या कैपेसिटी है काम करने की। तीसरा, अक्सर हमारी फील्ड में लोग अपनी जरूरत से ज्यादा काम पकड़ लेते हैं, किसी के पास कैपेसिटी दो या तीन या चार प्रोजेक्ट्स की होती है, वो पांच छह आठ या दस प्रोजेक्ट्स करने की कोशिश करता है, और कोई गलत नहीं है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है क्या ये ऑप्टिमम तरीका है, मैं अगर अपना प्रोजेक्ट उसको दे दूंगा या दे दूंगी तो क्या वो मेरा प्रोजेक्ट को मेरे घर को उस तरीके से डिलीवर कर पाएगा। चौथा, तो ये वो डिजाइनर है, क्या ये शोषा तो नहीं करता, मेरा बजट तो 5 लाख का है पर क्या मेरा घर 50 लाख में भी नहीं बनाएगा। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसके पुराने प्रोजेक्ट को देख के, उसको देख के, उसके ऑफिस को देख के, उसके बारे में बात करके पता लग जाएगा आपको कि यार ये बंदा मेरे बजट के अकॉर्डिंगली मेरा काम कर देगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट इसके बाद जो स्टेप है, टाइमलाइन। अक्सर लोग टाइमलाइन को स्किप कर देते हैं, वो सस्ते के चक्कर में गलत चीज चूज कर देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ सस्ता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो जल्दी कर देगा, और महंगा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा ही करेगा, ये कभी नहीं होता। तो आपको अपनी चॉइस चूज करने, जब आप सेलेक्ट कर रहे हो अपने डिजाइनर, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे टाइमलाइंस क्या हैं, मेरे रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, और क्या मेरा ये डिजाइनर, मेरी ये कंपनी मुझे उस रिस्ट्रिक्शन, उस टाइमलाइन में काम करके दे सकती है। 10-15 दिन इधर उधर होगा चलेगा, महीना भर इधर उधर होगा चलेगा, ऐसा तो नहीं कि मैं 2 महीने बोलूंगा वो 18 महीने लग जाएगा, मैं 6 महीने बोलूंगा वो 12 महीने लग जाएगा। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए व्हाइल चूजिंग योर डिजाइन। ओके, थैंक यू। द क्वेश्चन इज, आई एम अ डिजाइनर एंड ऑफन गेट कंफ्यूज्ड, आप कस्टमर को चार्ज कैसे, आप ना फ्लो में मत भेजो,
कि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है या मेरे को भी शुरू करना है, मुझे बस प्रोजेक्ट को किसी तरीके से लेना है और मुझे काम करना है, तो मैं कोई भी कॉस्ट दे दूं, मैं 10 रुपए की चीज 8 रुपए में करा दूं या मैं 12 रुपए चार्ज करूं, तो उसके लिए क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले डिजाइन बनाओ। डिजाइन बनाने से पहले आपको कॉस्ट का अंदाजा लगता ही नहीं है, जो भी कॉस्ट कोई भी देता है वो सब टेंटेटिव है। तो आपको थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने दोस्तों से बात करने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि मेरे को एक टिपिकल 3 BHK में ये जो स्कोप मेरे को मेरा क्लाइंट बोल रहा है इसका कितना पैसा लग सकता है, पर ये फाइनल नहीं है, आप इसको फाइनल कॉस्ट मत समझो। अब पहले डिजाइन बनाओ, बेड बनाओ, सोफा बनाओ, सब चीजों के डिजाइन क्रिएट करो और उसके बाद किसी कारपेंटर या कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठो। उसके बाद ये आइडेंटिफाई करो कि मेरी कॉस्टिंग क्या आ रही है इस काम को करने के लिए। जबरदस्ती की कॉस्टिंग मत दे दो कि आपके मन में आज आपको पढ़ाया था कॉलेज में 10 लाख रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए तो आपने 10 लाख रुपए दे दी। कॉलेज ने कभी ये नहीं बताया था कि मटेरियल की कॉस्ट बढ़ सकती है, कॉलेज ने कभी ये नहीं बताया था कि 4 मटेरियल यूज करोगे तो कॉस्ट डिविएट हो जाएगी या क्लाइंट कोई चीज चेंज करा देगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो उसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि पहले डिजाइन बनाओ, डिजाइन बनाने के बाद 4 लोगों से डिस्कस करो, उसके बाद वो कॉस्ट अपने क्लाइंट को। हो सकता है क्लाइंट आपसे काम ना कराए, विच इज ओके। 1, 2, 3 या 4 प्रोजेक्ट के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि मुझे क्या कॉस्ट अपने कस्टमर को देनी है। ओके, थैंक यू। द क्वेश्चन इज इट रियली वर्थफुल ऑफ हायरिंग अ डिजाइनर? अब इसका मैं क्या जवाब दूं? ऑब्वियसली मैं डिजाइनर हूं, तो मैं तो ये कहूंगा कि हाँ हायर करो हमें और हमें हमसे अपना घर बनवाओ या किसी भी डिजाइनर से बनवाओ। पर यस, ये डिपेंड करता है कि आप किस जेंट्री में रहते हैं, आपका घर कैसा है और आपका सर्कल कैसा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि इंटीरियर्स इज अ सोशा इज अ इज अ लिटिल हाई एंड काइंड ऑफ एन एक्टिविटी जो हर अफोर्डेबल या हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं बोलूँगा आपको अपना सर्कल देखना होगा, समझना होगा कि आप किस सर्कल में हो और आपके पास जेब में पैसे कितने हैं। सर्कल कुछ भी हो उससे भी मैटर नहीं करेगा, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है और आपने शोशा किया तो डेफिनेटली आप परेशानी में आ ही जाओगे। तो आपको करना क्या है, आपको अपना बजट बनाना है और अपने आसपास के डिजाइनर से, जिसको भी आप पसंद करते हो, जिसका भी आपने काम देखा है, जिससे भी आप मिले हो, समझो कि मेरे घर में कॉस्ट कितनी आने वाली है। एक एजुकेटेड डिसीजन लेना है, सिर्फ क्योंकि मेरे पड़ोसी ने या मेरे मामा ने या मेरे चाचा ने या मेरे भाई ने काम करा लिया डिजाइनर से तो मैं भी करा लूं, इस मोड में नहीं जाना है। तो पहले अपने घर को सोचो, अपनी जेब को सोचो, बजट को सोचो और देखो कि यार ये जो डिजाइनर मैं जिसको हायर करने वाला हूँ या वाली हूँ, क्या ये अच्छा है, क्या ये वो सारे पैरामीटर्स को उतर जाता है जिसपे मैं अभी बात कर रहा था। इसी वीडियो में मैंने सेकंड क्वेश्चन में आंसर किया है कि आप डिजाइनर कैसे चूज करो। तो जब आप डिजाइनर के पास जाओगे तो ये बात करो उससे कि यार मेरा ये बजट है, मैं इतना ही काम कराना चाहता हूँ, आप क्या विलिंग हो उसको टेकअप करने के लिए, क्या आप मेरा छोटा सा काम कर लोगे, ट्राई करो। अगर वो कहता है यस, विलिंग हो, नहीं कहता है तो मे बी चेंज योर पाथ, मे बी हायर अनदर वन, मे बी गो टू अ लोकल कॉन्ट्रैक्टर, मे बी गो टू समबडी एल्स, मे बी गो टू अ शॉप ओनर। आप किसी दुकानदार के पास चले जाओ जो लकड़ी का काम करता है, वो भी आपको कुछ चीज सजेस्ट कर देगा, वो भी आपको लैमिनेट्स के बारे में बता देगा। अगेन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी जेब में पैसे कितने हैं और आप किस नेटवर्क जेंट्री में उठते बैठते हैं। ओके, थैंक यू, दिस इज ग्रेट। इसी के साथ हमारे चारों सवाल आज खत्म हो जाते हैं। तो मैं आपको दोबारा बोलूंगा, अगर आपको कोई सवाल मुझसे पूछना है, आपको कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी इंटीरियर आर्किटेक्चर के बारे में जानना चाहते हैं, या तो आप स्टूडेंट हैं या आप एक होम ओनर हैं, कोई भी हो, आप कैसा भी सवाल मेरे से पूछ सकते हैं। विल बी हैप्पी टू टेक यू अप इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच। साइनिंग इट ऑफ, शशांक जी।